गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 27 अगस्त 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हाल ही के अंदर किस मंत्रालय के द्वारा खेलों के लिए खेलों का अनावरण किया गया है। तो वो किया गया है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इस्पात मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे जो केंद्रीय इस्पात मंत्री है चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा हवाला दिया गया है कि जो खेल होने हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी ग्राउंड की सुविधा रहेगी, जो भी यहाँ पे पैसों की सुविधा रहेगी, वो सब कुछ यहाँ पे इस्पात मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इसके अंदर जो भी सुविधा होगी वो सब यहाँ पे CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट के द्वारा कहां से उड़ान भरी गई है? तो ये भरी गई है देहरादून से। ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट रहेगा। ये देहरादून से चल करके और इन्होंने दिल्ली के अंदर लैंड किया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो उड़ान भरी गई है इस जेट के अंदर 75% वायु टर्बाइन ईंधन और 25% यहाँ पे बायोजेट ईंधन, इन दोनों का मिश्रण करके ही इस उड़ान को यहाँ पे टेक ऑफ किया गया था। अब इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा? इसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो फ्यूल है उसके अंदर हमें क्या है, बहुत ज़्यादा जो बचत है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो सारा काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, उड़ान को, यानी कि उड़ान की फुल फॉर्म क्या थी, उड़े देश का आम नागरिक। उसी के तहत यहाँ पे अब हर एक स्टेट के अंदर इस फील्ड को यानी कि जो फ्लाइट है उसको लागू करने की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उड्डयन मंत्री है यानी कि उड़ान मंत्रालय है, इसके यहाँ पे राज्य मंत्री कौन है, तो ये है जयंत सिन्हा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अटल जी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताब को किसके संदेश के द्वारा या संदेश के साथ में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा बी, प्रधानमंत्री। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की एक यहाँ पे बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अटल जी ने कहा, ठीक है। ये यहाँ पे जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके एक संदेश के द्वारा है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि एक 320 पेज की एक पुस्तक है, और जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भी भाषण दिए थे या फिर उनकी जो भी समृद्धियाँ हैं वो इस बुक के अंदर जो प्रकाशित की गई है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, हाल ही के अंदर फुटबॉल इतिहास में पहली बार फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो वो यहाँ पे जीता है जापान ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, अंडर 20 का जापान महिला जो एक राष्ट्रीय टीम ने यहाँ पे फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप अपने नाम किया है, और जो कि कहाँ हो रहा था, फ्रांस के अंदर, फ्रांस 2018, इसके अंदर यहाँ पे जापान ने इसको अपने नाम कर लिया है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही के अंदर गेम चेंजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है इंदिरा नोई को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे पेप्सिको के भारत के अंदर पैदा हुई और सीईओ इंदिरा नुई को यहाँ पे इस सांस्कृतिक संगठन के अंदर इस पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, हाल ही के अंदर उत्तरी कृष्णागिरी जिले के अंदर निवेश को आकर्षित करने के लिए एक विशेष निवेशक क्षेत्र की यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है यहाँ के यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है इड्डापड्डी के पलानी स्वामी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी के चलते हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की गई है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और यहाँ पे यानी कि ये जो प्रोवाइड करने वाला है वो कॉरपोरेशन कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इनके द्वारा ये यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, तो तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही के अंदर SIAC के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया है, तो
तो यहाँ पे किसको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है रिलायंस पावर को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब ये SIAC ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है यहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे रिलायंस पावर को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय शहरों के अंदर स्वच्छ परिवहन की सूची के अंदर सबसे ऊपर कौन सा शहर रहा है, ठीक है, तो वो शहर रहा है यहाँ पे भोपाल। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे जो स्वस्थ परिवहन के अंदर अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो आ रहा है यहाँ पे भोपाल का। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे दो शहर आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो किस तरीके से, देखिए अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि ओवरऑल इमिशन एंड एनर्जी कंजप्शन, अगर एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है उसकी खपत के अंदर अगर बात कर रहा है तो भोपाल का यहाँ पे नाम क्या है सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे प्री ट्रेवल ट्रिप एमिशन यानी कि यहाँ पे यात्रा उत्सर्जन और ऊर्जा की खपत के अंदर अगर किसी का नाम ऊपर आ रहा है तो वो है यहाँ पे कोलकाता। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए केन्या के अंदर आयोजित भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा यहाँ पे की गई, तो ये की गई सुरेश प्रभु के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे केन्या के अंदर आयोजित की गई है, एक केन्या संयुक्त व्यापार समिति की एक बैठक थी, ठीक है, जिसके अंदर जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है सुरेश प्रभु के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यापार समिति की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी फरवरी 2015 के अंदर और इसको दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए हाल ही के अंदर चौथे एशियन इलेक्ट्रोल स्टेक होल्डर फोरम की यहाँ पे शुरुआत कहाँ हुई है, तो वो हुई है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक जो अभी मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है यानी कि AESF की फोर्थ यहाँ पे क्या है शुरुआत की गई है, तो इसकी अगर फुल फॉर्म देखे तो ये हमारी यही हो जाएगी कि फोर्थ एशियन इलेक्ट्रिकल स्टेक होल्डर, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे श्रीलंका का नाम आया है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए श्रीलंका की राजधानी है वो है कोलंबो और यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है जयवर्धने कोटे। और अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे है जो श्रीलंका का रुपया यहाँ पे चलता है। और अगर हम यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करें तो वो है मैत्रीपाला सिरीसेना, यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए हाल ही के अंदर वियतनाम और कंबोडिया के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है सुषमा स्वराज के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ से जो कि एशियन क्षेत्र के दो प्रमुख देशों के साथ में और भारत के जो सामाजिक जो सहयोग है उनके अंदर यहाँ पे क्या है इनको बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा वियतनाम और कंबोडिया इन दोनों देशों की 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। और ये यहाँ पे जो वियतनाम के अंदर समकक्ष फोरम यानी कि भिन्न भिन्न जिसकी एक यहाँ पे थीम रखी गई है वहाँ पे आयोजन होने वाली 16वीं बैठक की अध्यक्षता भी सुषमा स्वराज जी के द्वारा की जाएगी। और अगर आपको यहाँ से पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पे वियतनाम है उसकी राजधानी क्या है, तो आपको वियतनाम की राजधानी पता होना चाहिए, तो ये है हनोई। और अगर यहाँ की मुद्रा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये है वियतनामी डोंग। और अगर हम बात करें कंबोडिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी नोम। और अगर यहाँ की मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाए तो कंबोडियन रियल, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं आगे। देखिए इंडोनेशिया के अंदर महिलाओं की 400 मीटर दौड़ के अंदर रजत पदक किसने हासिल किया है, तो वो किया है हिमा दास ने। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूटी चंद है इन्होंने क्या हासिल किया है, तो इन्होंने यहाँ पे जो 100 मीटर की रेस थी इसके अंदर यहाँ पे रजत पदक हासिल किया है। और हम बात करें मोहम्मद अनास की, तो इन्होंने यहाँ पे मेल की जो 400 मीटर की जो रेस थी उसके अंदर इनको यहाँ पे रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, और ये गेम कहाँ पे हो रहे हैं, ये इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलन बैंक के अंदर। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको उड़ान एजुकेशन हब के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।